जय हिंद दोस्तों, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार सरकार गिरने वाली है? बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है वो गिरने वाली है? बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है? क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें टकराव चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू में काफ़ी ज़्यादा टकराव चल रहा है, बात बन नहीं पा रही है। दो पार्टियां रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रपति मुर्मू के डिनर को लेकर, उसमें भी न्योता दिया गया नीतीश कुमार को, उसमें शामिल नहीं हुए। नीति आयोग के अंदर भी जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसमें भी नीतीश कुमार को इनविटेशन दिया गया, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा टकराव बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन है वो टूट सकता है। वो बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के अंदर जो गठबंधन है उसमें शामिल हो सकते हैं और वहाँ गठबंधन की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। आखिर इस टाइम क्या स्थिति है सीटों को लेकर वो बात कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर कुल जो सीटें हैं इस टाइम वो 243 हैं बिहार के अंदर विधानसभा में, जिसमें बहुमत चाहिए 122। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास है 79 MLA, बीजेपी 77, जेडीयू 45, कांग्रेस पार्टी के पास है 19, वहीं लेफ्ट पार्टी के पास है 16, हम के पास है 4, AIMIM के 5 जीते थे, 4 MLA आरजेडी में शामिल हो गए, अब एक ही MLA बचा, वो निर्दलीय 1। वहीं सरकार किस किस पार्टी की यानी गठबंधन की बनी हुई है इस टाइम वो भी देख लिए। 127 MLA का गठबंधन यानी जो गठबंधन है वो बहुमत वाला जो आंकड़ा है वो 122 है, पर 127 ने बीजेपी यानी नीतीश कुमार की सरकार को वोट किया हुआ है, यानी बीजेपी के 77, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय 1 दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं जेडीयू नीतीश कुमार और आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ मिल जाते हैं, तो जब क्या स्थिति होगी वो भी देख लिए। ये आंकड़ा 59 तक पहुंच सकता है, बहुमत का आंकड़ा 122, आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16। तो सर ये जो पूरा ये बताया जा रहा है कि ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन को लेकर जो टकराव चल रहा है उसमें नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी से भी बात करी है और बताया जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच जेडीयू एक बड़ा निर्णय ले सकता है, ले सकती है, और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट और आरजेडी के साथ फिर से गठबंधन में शामिल हो सकती है। पर देखना ये होगा कि नीतीश कुमार को ये गठबंधन दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, पर चुनाव इनके गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था। तो क्या तेजस्वी यादव मानेंगे इस बात को लेकर, या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अपना कहेंगे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अगर आपको बनना है तो मुख्यमंत्री बने, देखना होगा। ये दिलचस्प बात होगी, पर देखना होगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वो बताया ये भी जा रहा है कि जो जेडीयू के RCP सिंह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है, उन्होंने जेडीयू भी छोड़ दिए और जेडीयू के बहुत सारे विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, जिसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया है, वैसा ही RCP सिंह जो जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं वो दोस्तों जेडीयू के साथ ऐसा ही कर सकते हैं जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया है। चलिए दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर शेयर कर, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।